हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो फाइनली ट्वेल्थ क्लास के लिए सारे सब्जेक्ट्स का रिवाइज सिलेबस आ चुका है फॉर द सेशन 2021 एंड 22। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मैथ्स का क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में किस तरह के चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेशन हुआ है, टर्म वन में कौन से चैप्टर्स आएंगे, टर्म टू में कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कंप्लीट सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहली बात, इस नोट को पढ़ लेना कि जितने भी हाइलाइटेड टॉपिक्स आएंगे इस पर्टिकुलर PDF में, वो सारे के सारे टॉपिक हाइलाइटेड वाले वो सब सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी मैंने टॉपिक को जानबूझ के हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये चीज़ें एक दो साल पहले हुआ करती थी सिलेबस में या NCERT में आपको मिलेंगी, बट इस बार वो सिलेबस में नहीं है। पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था, मतलब जो जो टॉपिक लास्ट ईयर हटाए गए थे सेम टू सेम वही टॉपिक इस साल हटाए हैं। बस फ़र्क इतना है कि सिलेबस को दो टर्म में, टर्म वन टर्म टू में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म वन का सिलेबस टर्म टू में नहीं आएगा, टर्म टू का सिलेबस वन में नहीं आएगा। ठीक है, तो टर्म वन की अगर बात करें सिलेबस की हम लोग, तो 90 मिनट का पेपर होना है, ये बात आपको सबको पता है। MCQ बेस्ड पेपर होना है, ये स्कूल में होगा, बाहर से एग्जामिनर आएंगे, OMR शीट पे पेपर होगा। MCQ डिफरेंट वैरायटी के पूछे जा सकते हैं आपसे। हो सकता है सिंपल MCQ हो, एक क्वेश्चन उसके चार ऑप्शन, उनमें से एक आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि फिलअप टाइप कुछ पूछ लें, एक क्वेश्चन चल रहा है, बीच में कुछ फिलअप छोड़ दिया, लास्ट में कुछ है, इसमें चार ऑप्शन दे दें कि इनमें से कौन सा इस फिलअप में आ सकता है। हो सकता है कि एक पैराग्राफ्स की सिचुएशन दे दें, उस पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा तुमसे, क्वेश्चन नंबर वन, और उसके चार ऑप्शंस हैं, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन टू इसी पैराग्राफ के ऊपर है, इसमें चार ऑप्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसी पैराग्राफ के ऊपर है, चार ऑप्शन है, समझ रहे हो। तो एक पैराग्राफ के ऊपर तीन चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट जो भी क्वेश्चन होंगे सबके चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको OMR शीट पर गोला फिल करना होगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो नहीं बताया CBSE ने, बट पेपर का भी फिलहाल हमें टाइमिंग पता है। और मार्क्स CBSE बात है, टोटल पेपर 80 मार्क्स का होता है मैथ्स का, तो टर्म वन का पेपर 40 मार्क्स का होगा और टर्म टू का पेपर भी 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल इसमें ऐड होंगे, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल इसमें ऐड होंगे, तो 40 मार्क्स का पेपर है प्लस 10 इंटरनल ऐड हो गए, तो टोटल 50 मार्क्स आपके टर्म वन के माने जाएंगे। ये इन्होंने यूनिट के हिसाब दे रखा है कि कौन कौन सी यूनिट कितने कितने मार्क्स की, इसको देख लेना, मैं आगे समझा दूंगा। अब हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें टर्म वन में हमारी आनी है। तो टर्म वन के सिलेबस में मूव ऑन करें तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रा देखें, तो रिलेशन और फंक्शन के नाम से जो यूनिट होती है इसमें दो चैप्टर होते हैं। एक तो पहला चैप्टर है ये रिलेशन फंक्शन वाला, दूसरा चैप्टर होता है इसमें ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये दोनों चैप्टर मिला के रिलेशन फंक्शन और ITF 8 मार्क्स के आएंगे। ध्यान रखना, खाली रिलेशन फंक्शन 8 का नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इसमें ऐड कर दोगे तब जाके ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, पूरी यूनिट है, मतलब 8 मार्क्स की। टर्म वन की बात हो रही है, तो रिलेशन फंक्शन पे अगर मैं आऊँ तो कौन सा टॉपिक हटाया गया है, तो कंपोजिट फंक्शन नहीं पूछे जाएंगे। कंपोजिट फंक्शन पूछो क्या होते हैं, गॉफ और फॉग वाले, ऐसे तुमने बहुत क्वेश्चन करे होंगे। तो गॉफ और फॉग का जो फंडा है जहाँ पे दो फंक्शन को कंबाइन किया जाता है, तो ऐसा कोई टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो कंप्लीट स्क्रैप है वो। और फंक्शन का इन्वर्स निकालने को नहीं पूछा जाएगा, जहाँ पर भी एफ इन्वर्स एक्स की बात होती थी तो वो तुमसे नहीं पूछेंगे कि एफ इन्वर्स एक्स फाइंड आउट करो उसका। बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशंस आ रहे हैं, वन वन ऑन टू, उस तरह की सारी मैपिंग है, किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करवा लेंगे, किसी को भी बाइजेक्टिव वगैरह, बस इन्वर्स नहीं पूछेंगे और कंपोजिट फंक्शन पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये टॉपिक हटे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, बिल्कुल वही है, लास्ट ईयर भी यही हटे थे, इस साल भी वही हटे हैं, मैंने तुम्हें बताया है ये बात, बस सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ITF में से क्या हटा है, तो बच्चों ITF में से ग्राफ्स की रिगार्डिंग में कुछ नहीं आएगा, ITF के ग्राफ हटा दिए गए हैं। कई जगह तो ये ग्राफ पढ़ाए भी नहीं जाते, बट जिन जगह पढ़ाए जाते हैं, तो फिलहाल अभी आपको ग्राफ पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इतनी चीज़ें हैं कि भाई ग्राफ पे ऊपर आप जब सॉल्व करते हो तो ग्राफ में लास्ट में रेंज आती है, रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो आपको ग्राफ आते हो ना आते हो, आपको हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये सिलेबस में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्राफ के अंदर की जो रेंज है वो हमें आती हो। उसके बाद एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है,
रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रेंज डोमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी ITF की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ लगती हूँ, जितनी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो छोटा मोटा एक दो क्वेश्चन इस पे आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया। फिर बात करें अलजेब्रा की। अलजेब्रा में ट्वेल्थ की दो चैप्टर आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। ठीक है, ट्वेल्थ की मैथ्स में मैं तुम्हें बता दूं कि ट्वेल्थ की मैथ्स से एज सच कोई चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, सारे चैप्टर सिलेबस में हैं, कोई पूरा नहीं हटा है। जैसे इलेवंथ क्लास में तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल रीजनिंग, वो तीन चैप्टर पूरी तरह हट गए हैं, पिछले साल भी हटे थे, इस साल भी हटा दिए। बाकी ट्वेल्थ में से कोई पूरा चैप्टर नहीं हटाया, सब में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटाई हैं। तो अलजेब्रा टोटल 10 मार्क्स की है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मिला के 10 मार्क्स की आएंगे। तसल्ली से सुनना सारी बातें जो बता रहा हूँ। मैट्रिसेस में अगर मैं चलूँ तो पूरा फुल चैप्टर सिलेबस में है, एवरीथिंग जो भी तुमने पढ़ा है, सिर्फ इस टॉपिक को छोड़ के। इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन आता था ना, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन के ऊपर, जो कई बच्चों को तो बहुत टफ लगता था, उनसे रो ऑपरेशन के कॉलम ऑपरेशन के क्वेश्चन होते ही नहीं थे, बीच में गलतियाँ कर देते थे। तो ये टॉपिक के क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, यानी इन्वर्स निकालने के लिए अब आपको एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना पड़ेगा, किसी दूसरे तरीके से जो आप निकालते थे ना, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का यूज़ करके इन्वर्स निकाल सकते हो, ये टॉपिक है सिलेबस में। ठीक है, बस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, वो हट गया। डिटर्मिनेंट की तरफ आऊँ तो डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछी जाएंगी, यानी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है लाइक रोज एक्सचेंज करने वाला है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला, तो बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व होते थे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी पूरा डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है, एडजॉइंट और इन्वर्स भी है देखो इसमें मैट्रिक्स का, और इक्वेशन सॉल्व करने को भी है, वो तीन वेरिएबल वाली, एवरीथिंग इज देयर। बस एक छोटा सा ये टॉपिक, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन वो नहीं करने। ठीक, तो ये बात हुई मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की, मार्क कर लेना अपनी NCERT में इन सब चीज़ों को देखते हुए। बाकी इस पूरी चीज़ की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलस। तो अलजेब्रा हमारी हो गई, सेट रिलेशन फंक्शन वाला सेक्शन हो गया हमारे पास पूरा। तो कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस हमारी 17 मार्क्स की आएगी टर्म 1 के अंदर। क्या क्या आएगा कैलकुलस के अंदर, तो ये चैप्टर कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो ये पूरा चैप्टर आएगा, सिर्फ लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक रोले थ्योरम होती थी यहाँ पे, एक LMVT थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये दो छोटे छोटे थ्योरम्स आपको नहीं पढ़नी है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन होते थे, तो मतलब ये टॉपिक हटाए। बाकी पूरी कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एवरीथिंग इज देयर। ठीक, फिर बात आती है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। AOD में से दो मेजर टॉपिक हटाए गए हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज वाला, रेट ऑफ चेंज के ऊपर आपको शायद पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो रेट ऑफ चेंज की बात जब भी होगी वो टॉपिक आपका पूरा हटाए, NCERT खुल के देख लेना। इसके अलावा डेरिवेटिव्स का यूज़ अप्रॉक्सीमेशन में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ता था यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये दो टॉपिक आपके इस AOD में से हटाए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, उसकी वर्ड प्रॉब्लम, सब कुछ है, बस ये दो टॉपिक नहीं है। ठीक, ये हमारा AOD ख़त्म हो गया। 17 मार्क्स की कैलकुलस में ये दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अभी इसके बाद ये सब आपको यहाँ तक ना फर्स्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे, आपकी मैथ्स का NCERT का जो पार्ट 1 होगा है ना, यहाँ तक आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड बुक जब आप उठाओगे तो उसमें से एक चैप्टर है LP, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, 5 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, आपसे पूछा जाएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं इसको छोड़ के, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ LP। लीनियर प्रोग्रामिंग की एक सिचुएशन पैराग्राफ देख के उससे मैथमेटिकली हमें फॉर्मूले क्रिएट करने होते थे, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जो भी हैं टॉपिक सारे इस चैप्टर में हैं। तो ये था टर्म 1 का सिलेबस। तो आप देख लो एक बार फिर से कि क्या क्या चीज़ें आप अभी तक पढ़ चुकी हो अपने स्कूल्स में, और अभी तक आपको कौन कौन सी चीज़ें और पढ़नी है। तो रिलेशन फंक्शन आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, जो टॉपिक हटे आपके सामने हैं, मैट्रिसेस आ रहा है, डिटर्मिनेंट भी आ रहा है, कैलकुलस के अंदर कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी AOD दोनों आ रहे हैं, ये टॉपिक्स इनमें से हटाए गए हैं। और बात करें LP की, लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक छोटा सा टॉपिक ये हटा है, बाकी पूरी LP भी आपको पढ़नी है। तो टर्म 1 यहाँ तक ख़त्म होता है। ठीक है,
अब टर्म वन के बाद हम आ जाते हैं अपने टर्म टू के ऊपर। तो टर्म टू पे हम आ गए। टर्म टू में ये जो तीन यूनिट्स बची हैं ये टर्म टू में पूछी जाएंगी, जिनका क्लासिफिकेशन अलग अलग करके इन्होंने दे रखा है। टोटल इवैल्यूएशन वही 40 मार्क्स का होगा। एक ही पेपर होना है, सब्जेक्टिव होगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। सेंटर होगा इसका, बाहर सेंटर जाएगा, है ना। कॉपी पे वही रिटर्न पेपर लिखना है आपको। 10 नंबर का इसमें इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो स्कूल के टीचर देंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड। 40 मार्क्स का पेपर दे के आओगे तो टोटल 50 के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन होगा। सिलेबस कैसा है देखो ज़रा। कैलकुलस, वही बात, कैलकुलस में कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और AOD तो टर्म वन में आ चुके, अब तो वो नहीं आएंगे। तो कैलकुलस अब स्टार्ट होगी टर्म टू में इंटीग्रेशन से। तो आपको इंटीग्रेशन टर्म टू में पूछा जाएगा। इंटीग्रेशन में से सर क्या क्या हटा है, तो सारा ही इंटीग्रेशन पढ़ना है। ये जो इतने सारे फॉर्मेट है ना, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते थे इंटीग्रेशन के। तो इतने सारे टाइप में से एक तो ये वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं आएगा और एक ये वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन, है ना। फॉर्मेट होते हैं इंटीग्रेशन में कि इस तरह का फॉर्मेट ऐसे टैकल किया जाएगा, ऐसा फॉर्मेट ऐसे किया जाएगा, तो उसमें से ये दो फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं पढ़ने, ठीक है। और इसके अलावा एक आपको एक्सरसाइज इसके ऊपर मिल जाएगी, इस टॉपिक के ऊपर, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। ये एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते थे, तो ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी पूरा इंटीग्रेशन एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, सब पढ़ना है आपको वहाँ पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, सब कुछ है, ये नहीं है ये टॉपिक, और ये दो टाइप के इंटीग्रेशन, ठीक। तो इंटीग्रेशन में इतनी बात कंप्लीट होती है। आगे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। इस चैप्टर में से एरिया फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आते थे, तो इसमें से एक टॉपिक हटाया है इन्होंने, एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ द अबव सेड कर्व्स। देखना ध्यान से, दो लाइंस के बीच में एरिया, दो पैराबोला के बीच में एरिया, है ना। इसी अलावा हमारे पास इस तरह से मानो, जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन उसने बना दी, इसके नीचे ये एरिया सराउंडेड है, इस एरिया को निकालना है, तो ये आएगा। इसी तरह से ये पैराबोला मैंने बनाया, ये वाला एरिया तुमसे निकलवाए, पूछ सकता है। एलिप्स मैंने बना दिया, ये एरिया तुमसे पूछ सकता है। बट कोई भी दो अलग अलग कर्व की एक लाइन और एक पैराबोला, मतलब ऐसा है कि एक पैराबोला मैंने बनाया और एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी, तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। दो डिफरेंट कॉनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइन कुछ भी है, उनके बीच का एरिया तुमसे नहीं पूछेगा। लाइक ऐसे मेरे पास एक एलिप्स है, ठीक, और मैंने यहाँ पे एक पैराबोला बना दिया, तो उसमें ये वाला जो एरिया है ये पूछ ले सारा, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये पूरा एक टॉपिक हुआ करता था, तो ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी जितना भी बेसिक है वो सब तुमसे पूछा जाएगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, चेक करके अपनी NCERT में मार्क कर लेना। फिर बात आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये सब कैलकुलस चल रही है, ध्यान रखना, ये 18 मार्क्स में इंटीग्रेशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। यहाँ तक होती है कैलकुलस पूरी। डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या हटा है, ये वाला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। हमें इक्वेशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होता था डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी होती थी, तो ये अब नहीं पूछा जाएगा। लास्ट ईयर भी हटाया था इन्होंने। और डिफरेंशियल इक्वेशन के दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं 12th में, तो उसमें से सिर्फ ये वाला फॉर्मेट बचा है, ये है, और इसके अपोजिट वाला फॉर्मेट। भाई यहाँ पे तो dy/dx है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है, तो ये अपोजिट वाला जो फॉर्मेट है ये हटा दिया है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके ऊपर, ठीक। तो ये दो छोटे छोटे से टॉपिक इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन में से हटाए हैं। खत्म हुआ हमारा कैलकुलस का सेक्शन 18 मार्क्स का। फिर वेक्टर और 3D पे आते हैं। तो वेक्टर और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स की हैं टर्म टू में। इसमें से वेक्टर की अगर बात करें तो पूरा ही वेक्टर है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, सबसे आखिर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। डॉट अक्रॉस तो बच्चा फिजिक्स में भी पढ़ ही लेता है, बाकी सब वेक्टर के वही हैं, पैरेलल वेक्टर, वेक्टर को जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, सब सारा बेसिक। जिसका 11th का अच्छा है फिजिक्स का, तो उसे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी ये टॉपिक इन्होंने हटा दिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ करता था, इस तरह से हम लोग लिखा करते थे वहाँ पे वेक्टर्स और इसको सॉल्व करते थे। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर आए तो 3D ज्योमेट्री में से बाकी सारी चीज़ें हैं। एक ये सिंगल टॉपिक हटा है जहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना होता था दो लाइंस के बीच में, या दो प्लेन्स के बीच में, या एक एंगल, मतलब एक प्लेन और एक लाइन के बीच में। तो ये एंगल वाला टॉपिक जो इन डिफरेंट चीज़ों के बीच में फाइंड आउट करना होता था, ये इन्होंने हटा दिया इसमें से। बाकी पूरी 3D ज्योमेट्री है सिलेबस में, ठीक। तो वेक्टर और 3D की बात पूरी हो गई। लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब है। क्या हटा है? एक तो मीन और वेरियंस हटा है, ये टॉपिक था प्रोबेबिलिटी में मीन और वेरियंस कैलकुलेट करने वाला, और एक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का, इसके ऊपर तुम्हें एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो ये दो टॉपिक अब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनके ऊपर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपका बच्चों 12th क्लास की मैथमेटिक्स का टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सिलेबस वही का वही है जो पिछले साल था, मतलब जो जो टॉपिक पिछले साल हटे थे, बस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है आपको। अब बात आती है कि क्या चीज़ करनी है, मतलब डू एंड डोंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप मुझे एक बात बताओ कि टर्म 1 आपका MCQ बेस्ड होना है, बिल्कुल। तो MCQ की कोई अलग से तैयारी नहीं होती कि आप चैप्टर उठाया बस MCQ करे जा रहे हो। आप MCQ तो पहले भी JEE में आया ही करते थे, भाई JEE के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वो मैथ्स का एग्ज़ाम देगा, नीट में तो मैथ्स नहीं आती, बायो आती है। तो JEE के अंदर जो बच्चा पेपर देगा तो वहाँ पे तो MCQ आया करते थे। अब ये थोड़ी ना है वो बच्चा JEE की कोचिंग लेने जा रहा है तो उसको कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं, मतलब वो क्लास में आते ही टीचर MCQ कराते हैं बस, और कुछ नहीं कराते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अगेन आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, सारी चीज़ें बहुत सॉलिडली से पढ़नी है। अगर वो पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हो गए तो किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आए, फिलअप आए, अजर्शन रीजन आए, MCQ आए, सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। बस वही बात है कि तुम्हारा सबसे पहली जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आपकी क्वेश्चन की डिफरेंट वैरायटी टैकल हो जाएंगी आराम से। दूसरी बात, कोशिश करें, ये मेरा सजेशन है कि टर्म 2 के अंदर जो चैप्टर आने हैं उसमें से एटलीस्ट 2 चैप्टर, है ना, 1 से 2 चैप्टर कम से कम, जो छोटे छोटे से आपको लगे कोई भी उठा लो, कम से कम 2 चैप्टर्स आप अपने टर्म 1 में ही निपटा लो, क्योंकि टर्म 2 में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी बस, शायद उसमें आपका सारा काम ये ना हो पाए। तो अगर पॉसिबल हो तो 1 से 2 चैप्टर टर्म 2 में आने वाले टर्म 1 के अंदर ही कर लें, यानी अभी स्पीड बढ़ा लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है? ये बात ध्यान रहेगी। और बुक के बारे में अगर बात करूँ तो फोकस फिर से आपको फर्स्ट बुक आपकी NCERT है। NCERT के सारे सॉल्व एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो जो भी सिलेबस का पार्ट है, मतलब टॉपिक का पार्ट है, वो सब आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जब आप NCERT का कोई चैप्टर 2 से 3 बार खुद से कर चुके हों, याद रखना, पता लगा एक एक्सरसाइज NCERT के सॉल्व हुई और उसमें से आधे क्वेश्चन टीचर ने करवा दिए, आधे तुमने करे और तुम खुश हो गए कि वो तो एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, नहीं, वो नहीं हुई। जब तक आप एक एक्सरसाइज को कम्प्लीटली कम से कम 2 से 3 बार खुद से ना कर लें रफ में, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो 2 से 3 बार तुमने NCERT की वो एक्सरसाइज खत्म कर चुके, वो चैप्टर तुम कर चुके 2 से 3 बार, तब तुम मूव ऑन हो सकते हो किसी दूसरी बुक की तरफ। लाइक तुम RS सॉल्व करना चाहो वो कर लो, तुम्हें RD कोई एक उठाना, सारी उठाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जगह भागोगे उतना दिमाग ख़राब होगा। NCERT के अलावा कोई भी एक बुक, या तो RS उठा लो या RD उठा लो, वहाँ से क्वेश्चन कर लो कई सारे, क्योंकि इन बुक के अगर आपके पास नए वर्जन हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, तो उसमें तुम्हें प्रैक्टिस के लिए MCQs भी मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं ही इनके अंदर, बट इन बुक पे तब जाना जब तुम्हारी कोर बुक जो है वो पूरी हो चुकी हो अच्छे से, और 2 से 3 बार हो चुकी हो। NCERT में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी होती, सॉल्व एग्जाम्पल भी करने होते हैं, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल भी करना होता है, क्योंकि NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन सब के होने के बाद कोई बच्चे का IQ लेवल काफ़ी अच्छा है, बेटर है, तो उसके लिए एक और चॉइस है फर्दर, ये सबके लिए नहीं है, NCERT की एग्जाम्पलर उठा सकते हो आप। ये थोड़ी हायर लेवल की बुक है, इसके क्वेश्चन तुमसे सारे नहीं हो पाएंगे नॉर्मल बच्चे से, तो एग्जाम्पलर उठा सकते हो आप। एग्जाम्पलर में तुम्हें यहाँ पे MCQ भी मिल जाएंगे, सिंगल करेक्ट वाले, मल्टी करेक्ट वाले। तो मल्टी करेक्ट तो नहीं आएंगे जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आपके सिंगल करेक्ट ही आएंगे। तो आप NCERT एग्जाम्पलर से भी कुछ क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो अगर आप चाहो, आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन NCERT और किसी रेफरेंस बुक से हो चुकी है और हमें अभी थोड़ी फर्दर प्रैक्टिस करनी है, हमारा IQ लेवल भी बढ़िया है, तो फिर आप NCERT एग्जाम्पलर उठा सकते हो। अदरवाइज़ एग्जाम्पलर मत उठाना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। NCERT पूरी कर लो बढ़िया से 2 से 3 बार, और कुछ कोई रेफरेंस बुक के कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, इनमें इतना मुश्किल नहीं आएगी। तो आई होप आपने सिलेबस पूरा डिवीज़न देख लिया, किस किस तरह से पार्टीशन हुए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।